अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फूड इज़ रेडी में आज एक नई रेसिपी गार्लिक पराठे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इस पराठे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमें सफ़ेद आटा चाहिए, जो कि मैंने 2 कप लिया है। इसमें नीम गर्म दूध है, ये 1 कप है। इसके अलावा इसमें खमीर है जो कि दानेदार है, ये 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी लिया है और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। अब सबसे पहले हम इसका आटा गूंद लेंगे। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, सफ़ेद आटा, नमक, ईस्ट, और घी। पहले घी के साथ आटे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नीम गर्म दूध डालकर थोड़ा थोड़ा इसको गूंदेंगे। जितनी हमें दूध की ज़रूरत होगी उतना इसमें दूध डालेंगे। सॉफ्ट इसकी डो बनानी है, इसको हार्ड नहीं करना। आटे को बहुत सॉफ्ट गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको बहुत सॉफ्ट तैयार कर लेंगे इसकी डो। डो बिल्कुल तैयार है, इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब पराठे की फिलिंग के लिए हमें पुदीना चाहिए जो कि 2 टेबलस्पून है। 2 ही टेबलस्पून इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1.5 से 2 टेबलस्पून ताज़ा लहसुन पिसा हुआ है। इसके अलावा इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो रेड क्रश पेपर है, लाल कुटी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून नमक है। इन सबको हम एक बाउल के अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन के पेस्ट, इन सबको मिक्स कर लेंगे। आटे की डो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है, कम से कम आधे घंटा 30-35 मिनट जो है वो मैंने इसको रखा है। अब हम इसका पराठा तैयार करते हैं। इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, जैसे हम आम रूटीन में बनाते हैं। इसके हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसके एक एक पेड़े को जो है वो उठाकर, हम इसको बहुत सॉफ्ट है ये, इसको आम पराठे की तरह जो है वो बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, और रोलिंग पिन के साथ इसको हल्का सा बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने गार्लिक की जो तैयार की है इसका मसाला, वो इसके ऊपर हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे, चारों तरफ इसके ये मसाला लगा देंगे। अब छुरी से इसमें एक साइड पर कट लगाएंगे और इसको रोल करना शुरू कर देंगे। रोल करने के बाद इसको इस तरह से बनाने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल से इसको कोशिश करें कि इसको बेलन से ना बेलें, हाथ से ही इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसको हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे। हल्का हल्का सा इसको हाथों से बड़ा कर लेंगे। पराठा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे,
तवे के ऊपर, फिर उसके ऊपर ये पराठा जो है वो डाल देंगे। इसको मीडियम से भी कम आंच के ऊपर जो है वो फ्राई करेंगे। जैसा सब फूलना शुरू हो जाए दोनों तरफ से इसको गोल्डन कलर देके उतार लेंगे। इसके किनारों पर अब मैं ये ऑयल डालूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। पराठा ऐसा ऐसा ये फ्राई होता जा रहा है, इसको हम दोनों तरफ से इसको गोल्डन कलर देंगे। पराठा बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। गार्लिक पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।